हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है वो बहुत ही आसान है और सिर्फ 2 रोज़ का ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। इसमें देखिए, मैं ये जो डिज़ाइन है ये 5 फंदों की डिज़ाइन है और इनके बीच में जो ये 3 फंदे रखे हुए हैं, यहाँ पे आप 3 की जगह 2 या 1 भी रख सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन जो है नज़दीक रखने हैं तो आप यहाँ पे इन फंदों की संख्या जो है वो घटा भी सकते हैं। तो ये 5 फंदों का डिज़ाइन है और साथ में 3, तो 8 के मल्टीपल में इस डिज़ाइन के लिए फंदे लेने के बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। ये डिज़ाइन जो है वो फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे और बैक साइड की रोपर से ख़त्म करेंगे। सिर्फ 2 सिलाइयों में जो है ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 2 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है और ये देखिए कितना सुंदर सा उभरा हुआ डिज़ाइन है। इसे आप बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, लेडीज स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर्स पे डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा और उभरा हुआ डिज़ाइन है, देखिए कितना सुंदर। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई पे 19 फंदों को लिया हुआ है, ये देखिए। और अब हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। रो 1 फ्रंट साइड पे, देखिए फ्रंट साइड रो 1 हमने क्या करना है, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए धागे को हम पीछे कर लेंगे, एक फंदा जो है सीधा बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए ये जो 3 फंदे नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों को हमने साथ में सीधा बनाना है इस तरह से। देखिए ये इस तरह से सीधा बनाएंगे हम, ये इस तरह से सीधा बनाएंगे और इस वाली लूप को जो है हम लूज़ रखेंगे, जो हम इन 3 फंदों को बनाते हुए लूप्स उठाएंगे। ये एक लूप उठाएंगे हम, फिर इस तरह से जाली डाल देंगे, फिर एक और बार यहाँ पे इन तीनों को बुनते हुए एक और लूप हमने इस तरह से उठा लेना है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए हैं। आगे वाला एक फंदा जो है वो हमने सीधा बना लेना है। अब हमने 3 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से एक बार फिर से हम डिज़ाइन डालेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बनाने के बाद 3 फंदे जो है हमने साथ में इस तरह से सीधे बनाने हैं और लूप थोड़ा लूज रखेंगे इस तरह से। इन फंदों को अभी नहीं छोड़ना है और इस तरह से जाली डालेंगे और एक बार फिर से जो है इनको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। आगे वाले को सीधा बना लेंगे और लास्ट में 3 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। इस तरह से हम अपनी पहली रो जो है शुरू करेंगे। बैक साइड सेकंड रो, एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब देखिए हमने 3 फंदे, इन 5 फंदों में से 3 फंदे बुनने हैं और 2 स्लिप करने हैं। वो कैसे, देखिए ये जो सेकंड फंदा है इसे हम शिफ्ट करेंगे, पहले शिफ्ट करेंगे और इसे बुनेंगे नहीं, धागे को पहले अपनी ओर कर लेंगे, फिर इसे शिफ्ट भी करेंगे और इसे बुनेंगे नहीं। फिर उसके जो पहला फंदा था उसे हम बुनेंगे, फिर ये बीच वाला फंदा है इसे हम बुनेंगे और ये लास्ट वाला फंदा हम बुन लेंगे। अब देखिए ये जो हमने फंदा है, ये लूप है, ये हमने शिफ्ट भी कर लिया और इसे अब हमने बुनना नहीं है, सिर्फ स्लिप करना है। इन 5 फंदों में से हमने बैक साइड पे 3 फंदों को बुनना है और बीच में जो 2 लूप्स हैं उन्हें स्लिप करना है और शिफ्ट करना है, पोजीशन चेंज करनी है। तो उसके बाद देखिए 3 फंदे सीधे आएंगे। अब देखिए फिर से सेकंड वाला फंदा हम शिफ्ट करेंगे, इसे बुनेंगे नहीं, ये वाला बुनेंगे, बीच वाला हम बुनेंगे। अब देखिए ये शिफ्ट करना है हमने और स्लिप भी करना है, तो लास्ट वाला हम बुनेंगे और इसे शिफ्ट भी कर लिया और स्लिप भी कर लिया इस तरह से, और लास्ट के 3 फंदे हमने सीधे इस तरह से बुन लेने हैं। ये देखिए इस तरह ये जो है हमारा ये एक बार डिज़ाइन पड़ जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर अब ये जो फंदा है जो हमने स्लिप किया हुआ था इसे हम बुन लेंगे।
इसे हम बुन लेंगे। फिर ये जो तीन फंदे नज़र आ रहे हैं सीधे, हम इन्हें तीनों को साथ में इस तरह से बुनेंगे और थोड़ा लूज़ रखेंगे, जाली डालेंगे और फिर से एक बार बुनेंगे इस तरह। फिर ये वाला लूप हम बुन लेंगे। अब देखिए तीन फंदे उल्टे, एक बार फिर से देखिए ये लूप हम इस बार बुन लेंगे इस तरह। बीच में तीन जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं उन्हें हमने फिर से साथ में इस तरह बुनना है, जाली डालनी है, फिर से इकट्ठा बुनेंगे, तीन फंदे बना लेंगे और ये लूप हम बुन लेंगे, लास्ट के तीन उल्टे फंदे। बैक साइड की रो टू, ये देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे सीधे, फिर देखिए फिर से ये सेकंड वाला फंदा जो है वो हम शिफ्ट करेंगे और स्लिप करेंगे, इस वाले को बुनेंगे, फिर ये बीच वाला है इसे बुनेंगे, लास्ट वाले को बुनेंगे और ये हम फंदा स्लिप और शिफ्ट कर लेंगे। तीन फंदे सीधे आएंगे फिर, और ये फिर से हम सेकंड फंदे को शिफ्ट करेंगे, स्लिप करेंगे, बुनेंगे नहीं, इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे। ये बीच वाला फंदा है इसे भी बुनेंगे हम, फिर देखिए लास्ट वाले को हम पहले बुन लेंगे और ये वाला फंदा हम शिफ्ट कर लेंगे, स्लिप कर लेंगे। ये इस तरह से लास्ट के तीन फंदे बचेंगे सीधे बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारे जो है ये डिज़ाइन जो है वो दो बार पड़ गया है। इन्हीं दो रोज़ को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बहुत ही सुंदर बनता जाएगा।